डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। गीता रामेश्वरम पारमार्थिक न्यास नेताजी सुभाष मंच व अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के तत्वाधान में बिचौली मर्दाना स्थित विद्यासागर स्कूल परिसर में भारत के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती एवं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का उद्घोष करने वाले स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 166वीं जयंती के अवसर पर शहर की गणमान्य विभूति के रूप में आधार कार्ड के जनक श्री सुनील जायसवाल का आजाद तिलक अलंकरण समारोह के अंतर्गत सम्मान किया गया। कार्यक्रम संयोजक मदन परमालिया ने बताया कि आयोजन में मुख्य रूप से वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बसंती लाल पांडे, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, कांग्रेस नेत्री अर्चना जायसवाल, पूर्व IDA उपाध्यक्ष रघु परमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री सुनील जायसवाल को आजाद तिलक अलंकरण शॉल श्रीफल अभिनंदन पत्र एवं मालवीय पगड़ी से विभूषित किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मन बहुत प्रफुल्लित है। आज इस श्रेय के लिए हम चाह रहे थे कि मेरे द्वारा किए गए आधार कार्ड के जनक का जो काम का श्रेय जो मुझे मिलना चाहिए, अब वो धीरे धीरे मुझे हर समाज के मन से मिलना चालू हो गया है और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने समाज आधार कार्ड की कल्पना जो थी वो सन 2005 के पहले से बहुत सालों से मेरे दिमाग में चल रही थी और इसको मैंने धीरे धीरे अपने विचारों को कागज़ पे उतार के भारत सरकार को भेजा था सन 15 अगस्त 2005 को। और इसका जब नाम था कर लो इंसान को मुट्ठी में, जिसे सरकार ने संज्ञान में लिया और पूरे देश में इसे लागू किया। उसके बाद में उन्होंने इसका श्रेय मुझे नहीं देते हुए श्रीमान नंदन नीलकंठ जी को भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण का चेयरमैन बनाते हुए ये श्रेय उनको दे दिया। जब से करीब 14 वर्ष से मैं इसका संघर्ष कर रहा था, जो जिसके पीछे मैंने एक आधारण ग्रंथ जो का भी मैंने जो लिखी है और इसके अंदर अपने पूरे दावे को आधार कार्ड के जनक होने का दावा मैंने पेश किया है